अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग से बेसिक से एंड यू कैन से दैट गेम लाइक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आगे आने वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप लोग समझ भी पाओगे आसानी से और खुद भी कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो गिवन के तौर पे आपको क्या वो देगा और फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गिवन के तौर पर आपको क्या वो देगा। तो गिवन के तौर पे आपको इस तरह की एक फिगर वो दे देगा एंड उसमें ये एलिमेंट्स हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं और ये आपके पास दो बैटरीज हैं। एक बैटरी 10 वोल्ट की है, दूसरी 6 वोल्ट की है। दो रेजिस्टर्स, पहला रेजिस्टर 2 ओम का है, सेकंड रेजिस्टर जो है 1 ओम का है। और ये आपके पास एक्चुअली इसने करंट की डायरेक्शन इंडिकेट की हुई है। दो लूप्स हैं, एक आपके पास लूप ये रहा, दूसरा लूप आपके पास ये रहा। करंट की डायरेक्शन भी वो गिवन देगा, मतलब सेम जैसे वो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आना है जो गिवन के तौर पे आपको दिया जाएगा, जस्ट वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी मैंने कोई इसमें फर्दर एडिशनल वर्क जो है वो नहीं किया। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये तो चलो गिवन हो गया, अब फाइंड आउट करने को क्या कह रहा है। फाइंड आउट करने को कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स, कि इस रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब इस रेजिस्टर में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक तो ये वाला करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा ये वाला भी फ्लो कर रहा है। So, इसमें से करंट के जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, और इस जो दूसरा रजिस्टर है 1 ओम का, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो फिगर डेफिनेटली आपको इस तरह की गिवन दी जाएगी। तो फिगर आप अपने आंसर शीट पे ड्रॉ कर लेना सेम एज इट इज एंड उसके बाद अपना जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले लिख दिया था कि अब आपने क्या करना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आपने लेबलिंग करनी है। तो ये पहली ये बैटरी है, इसको मैं कह देता हूं V1, इसको आप E1 भी कह सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो ये हमारे पास क्या आ गया V1। और इसके बाद जो सेकेंड बैटरी है आपके पास, इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास आ गया V2। दो रेजिस्टर्स हैं, ये पहला रेजिस्टर है इसको मैं कह देता हूं R1, जो दूसरा रेजिस्टर है इसको मैं कह देता हूं R2। और ये जो दो करंट्स, ये एक्चुअली दो लूप्स हैं, इसमें जो फर्स्ट लूप में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन इसने इस तरह दी हुई है, इसको मैं कह देता हूं I1। और ये जो सेकंड लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन इसने इंडिकेट की हुई है इस तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा I2। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट जो करना है सबसे पहले I1 एंड I2। अगर हमें I1 एंड I2 की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता सकेंगे कि R1 में से, मींस जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसमें मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो R2 मतलब R1 में से जो 2 ओम का रेजिस्टर है, R1 में से जो कि 2 ओम है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो R2 1 ओम का रेजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हम ये तभी बता सकेंगे कि जब हमें I1 एंड I2 की वैल्यू पता चल जाए। तो सबसे पहला जो हमारा कह सकते हैं कि जो टारगेट होगा, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, वो I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी बेसिक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो पेट रूल आपने सेट करके अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है, वो आपने फिक्स कर लेना है अपने माइंड में जो जो चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा। और जस्ट लाइक ये गेम की तरह कोई इसमें डिफिकल्ट चीज ऐसी नहीं है, बस आपने जो अपनी बेस है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है, दैट्स इट। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, लेबलिंग आपने एलिमेंट्स की तो कर दी, अब आपने जो लूप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लूप्स हैं तो इनकी लेबलिंग भी कर दो। इसको यहाँ पे मैं कह देता हूँ A, ये जो क्वार्टर पॉइंट्स हैं इसको लेबल कर दो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे दो लूप्स हैं। तो जब मैं यहाँ पे जिस लूप पे मैं वर्किंग करूंगा, एट अ टाइम एक ही लूप पे आप वर्किंग कर सकते हो, तो एट अ टाइम मतलब अगर मैं फर्स्ट लूप पे अगर मैं वर्किंग कर रहा हूं तो पहले मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा कि मैंने अभी कौन सा कंसीडर किया हुआ है। तो इससे ये होगा कि आपको भी आसानी रहेगी, आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, और जो चेक करने वाला होगा वो भी जब आपकी कैलकुलेशंस वगैरह चेक कर रहा होगा तो ऊपर देखेगा, हाँ अभी अच्छा ये भी फर्स्ट लूप की बात कर रहा है, फर्स्ट लूप पे इसने वर्किंग की हुई है, तो सेकंड लूप की तरफ नहीं देखेगा, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होगा, आप भी नहीं होगे, और स्मूथली वर्किंग जो होगी और आपके मार्क्स जो है उस पर डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो लेबलिंग कर दो इसकी लूप्स की ABCD, और यहाँ पे इसको कह दो E और ये F कह दो। यहाँ पे इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स, इसको कोई भी आप लेबल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी लेबलिंग में अल्फाबेट यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन R, I और V यूज ना करना, ठीक है, ये तो रिजर्व्ड है इस पे, तो इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा,
अब यहाँ पे देखो, अब जो पहला लूप मैं कंसीडर कर रहा हूँ, पहले मैं इस पे वर्किंग करूंगा इस लूप पे, तो इसके लूप की जो मैंने लेबलिंग की है ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अब मैं अभी मैंने कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर लूप ए बी सी डी, ठीक हो गया। अब चेक करने वाला जब देखेगा अच्छा हाँ अभी इस भी वर्किंग कर रहा है, तो उसी के हिसाब से वो चेक करेगा और वो भी कंफ्यूज नहीं होगा और भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। एक्चुअली ये जो चीजें होती है ना, यही चीजें टॉपर्स और एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को ना सेपरेट करता है, करते हैं तो वो भी है कैलकुलेशन, उन्होंने भी ठीक ही होती है, कहाँ पे उनके कुछ मार्क्स कट आउट हो जाते हैं, वो जस्ट यही चीजें आपकी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो चेक करने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले कंसीडर कर लिया है बेसिकली ए बी सी डी लूप, और इसमें इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इस लूप में जितनी भी पोलैरिटीज हैं वो आपने उनको असाइन कर देना है, मतलब जो जो पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव जहां जहां पे जिस एलिमेंट के क्रॉस आ रहा है वो आपने असाइन कर देना है। कैसे? अच्छा, एक चीज का वो आपने ध्यान रखना है कि हम लोग कन्वेंशनल करंट यूज करेंगे जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके थ्योरी वगैरह में, हम लोग कन्वेंशनल करंट लेते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि जो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, वो आपने नहीं लेना, कन्वेंशनल करंट लेना है। इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आपको पता होगा लेकिन स्टिल इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिसमें अभी भी स्टिल इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज न्यूमेरिकल करते वक्त आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट की जो पोलैरिटीज होती है आपने वो लेनी है, ठीक है। और ये जरूरी है पोलैरिटीज, क्योंकि सबसे पहला काम अभी यहाँ पे हम जो आगे वर्किंग हमें स्टार्ट करनी है, जो इक्वेशन मैं बनाऊंगा, तो उससे पहले आपने यहाँ पे इसकी पोलैरिटीज ही असाइन करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटीज आएंगी वो क्या होंगी, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी करंट देखो, अगर इसके अक्रॉस देखें तो करंट इस तरह आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस उससे कि ये एंड इसका हो जाएगा इस रेजिस्टर का पॉजिटिव और ये एंड हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है डेफिनेटली। अगर इधर सेंटर हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और एग्जिट कर रहा है तो कहां पे होगा, एग्जिट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी होगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके रेजिस्टर आर वन की पोलैरिटीज आ गई, और अच्छा इस करंट की वजह से, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है इस तरह, ये जो करंट की वजह से बैटरी की जो पोलैरिटीज है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बैटरी की जो पोलैरिटीज है वो इंडिपेंडेंट है, वो करंट की डायरेक्शन को नहीं देखेंगी। अब करंट की डायरेक्शन बेशक इस तरह है, तो ये जैसे लाइक अच्छा ये पहले बता दूं कि जो बैटरी की जो पोलैरिटीज है, ये जो बड़ी लाइन होती है वो इंडिकेट कर रही होती है पॉजिटिव को, और ये जो छोटी लाइन होती है वो इंडिकेट कर रही होती है नेगेटिव को, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था जो करंट की डायरेक्शन है वो बैटरी की पोलैरिटीज डिसाइड नहीं करेंगी, बैटरी की पोलैरिटीज वो इंडिपेंडेंट दिए हैं कि बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। सो अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इसकी उल्टी डायरेक्शन में ले लेता हूं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस तरीके से, तो अब इसको आपने पॉजिटिव और इसको नेगेटिव नहीं कह देना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि बैटरी की पोलैरिटीज इंडिपेंडेंट है, वो करंट की डायरेक्शन पे नहीं चलेंगी, ठीक है। सिर्फ ये जो आपके रेजिस्टर्स हैं, इनकी जो पोलैरिटी, इनके क्रॉस जो पोलैरिटीज आएंगी वो करंट डिसाइड करेगा कि इस रेजिस्टर के क्रॉस या इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोलैरिटीज आ रही है वो क्या आएंगी, जस्ट लाइक यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ, ठीक है। ये जरूरी है, पहले पोलैरिटीज आपने असाइन कर देनी है, देन अपने जो इक्वेशन है उसकी तरफ चलना, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब मैं किसकी हेल्प लेने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक इक्वेशन बनानी है इस लूप वन को देखते हुए ए बी सी डी, तो मैं हेल्प लेने जा रहा हूं बाय किर्शियो, बाय किर्शियोस सेकेंड लॉ, जिसको आप वोल्टेज लॉ भी कहते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसकी इक्वेशन इस लूप वन को देखते हुए और इस करंट की डायरेक्शन को देखते हुए और ये जो पोलैरिटीज हैं इनको देखते हुए, अब इक्वेशन इसकी क्या आएगी, अब देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। V1 आ रहा है, मैं भी इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा ये बाद में मैं बताऊंगा आपने कैसे डिसाइड करना है। V1 आ गया, नेक्स्ट आगे चलो इसमें R1 आ गया, मतलब I1 R1, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ जो किरचॉफ का वो वोल्टेज लॉ है। सो क्या आपके पास आ जाएगा इसके अक्रॉस, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ओके। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, या इट्स बेटर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बेशक करके ना लिखो, ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि ये वोल्टेज लॉ है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो होता है इन अ क्लोज्ड लूप, लेकिन वो तो आपको डेफिनेशन क्लियर है।
तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली तरीके से जो कि मैथमेटिकली आपने यहाँ पे जो लिखना है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। अच्छा वी वन, उसके बाद क्या आपके पास आई वन आर वन, मतलब आर वन में से जो करंट पहला फ्लो कर रहा है वो आई वन है, और इसी आर वन में से एक और करंट फ्लो कर रहा है जो कि आई टू है, जो कि इस डायरेक्शन में है, और आई वन आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ है, ये आई वन आ गया और आपके पास ये आ गया आई टू। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, डायरेक्टली बेटर है, ठीक है। आई वन सॉरी आई टू आर वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे जो मैंने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं इसमें अब साइंस क्या आएंगे, यही एक गेम है। देखो अब आपने क्या करना है, चलो यहीं पे मैं समझा देता हूं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये देखो करंट जब आ रहा है किसी भी एलिमेंट में इंटर हो रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में इंटर हुआ और नेगेटिव में आउट हुआ, तो ये तो चलो इस बैटरी की इंडिपेंडेंटली इसकी पोलैरिटीज थी, ठीक है। तो बस आपने देखना है कि जिस एलिमेंट में से इंटर और एग्जिट हो रहा है, तो इंटर वाला साइन नहीं देखना, एग्जिट वाला देखना है। तो ये करंट आया यहां पे, इधर से इधर पॉजिटिव में इंटर हुआ और यहां पे नेगेटिव पे एग्जिट हुआ, तो जो एग्जिट वाला कह सकते हैं कि जो साइन होगा वो आपने लिखना है। तो यहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। आगे चलो V1 का तो चलो साइन आ गया, नेक्स्ट आगे चलो, इधर से आगे मूव किया और यहां पे अब R1 पे आए, R1 में से करंट इंटर हुआ, R1 में से करंट I1 इंटर हो रहा है क्योंकि इसमें दो करंट इंटर हो रहे हैं। तो अभी मैं इस लूप पे ही हूं, मतलब इसी में बात करूंगा, इसमें इस साइड पे बात कर रहा हूं जो कि I1 है। तो R1 में से जब I1 पास ऑन होगा, इसमें से गुजरेगा, तो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव से इंटर हुआ और किस पे एग्जिट हो रहा है, नेगेटिव पे, तो एग्जिट वाला जो साइन होगा वो आपने लगा देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलो, अब इसी में से, अब देखो मैं लूप वन में हूं, तो लूप वन में ये जो पोलैरिटीज मैंने इसकी असाइन कर दी हैं तो यही चलेंगी, ठीक है। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस करंट के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शंस इसकी लेबलिंग नहीं करनी, इसकी पोलैरिटीज जो है वो लेबल नहीं करनी। तो ये देखो ये एंड क्या है, पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यही पोलैरिटीज आर वन की भी फिक्स्ड है क्योंकि मैंने कंसीडर अभी ये किया हुआ है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर इसमें तो अब आई टू फ्लो कर रहा है अप एंड डाउन, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब मैं इसको कंसीडर करके इस पे जब मैं वर्किंग करूंगा, ठीक है। अभी जो कमांड कर रहा है इस R1 की पोलैरिटीज, वो कमांड क्या करेगा आपके पास, I1, ठीक है, क्योंकि लूप 1 ABCD में जो करंट है वो क्या, I1। तो ये इसने जो पोलैरिटीज इसको दे दी है वो फिक्स्ड हो गई है, I2 डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। सो I2 जब इस पे से फ्लो कर रहा है, पोलैरिटीज इसकी यही रहेंगी। देखो I2 नेगेटिव में एंटर हुआ और पॉजिटिव पे एग्जिट कर रहा है, तो जो एग्जिट वाला साइन होगा वो आ जाएगा, तो एग्जिट वाला साइन क्या आ गया। बस यही समझने वाली चीज थी, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बस आगे आपकी लाइफ आसान है, ये प्रॉब्लम भी आगे आसान है। जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस रह गई हैं, एक और इक्वेशन जो सेकंड लूप के लिए हम लोग करेंगे वो भी इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। चलो भाई अब वैल्यूज पुट कर दो, जो जो गिवन है, नेगेटिव साइन, वी वन आपके पास क्या है 10 वोल्ट, साथ यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब आपने यूनिट लिख देना है जो भी बनेगा, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग कैलकुलेशन यूनिट ना लिखा करो। नेगेटिव I1, ये तो जरी बात हमें पता नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन आप ऐसा काम करो यहाँ पे जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो। कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन भी मैं कॉमन ले रहा हूं और R1 भी कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अंदर रहेगा आई वन और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई टू इज इक्वल टू जीरो। अब आर वन की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि क्या है 2 ओम, तो माइनस 10 माइनस 2 आई वन माइनस आई टू, आगे बस मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन है। सो नेक्स्ट आगे चलो, इस 10 को ले जाइए, नेगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास बच जाएगा इधर माइनस 2 आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 उधर गया वो पॉजिटिव हो गया, अब ये 2 इधर क्या हो रहा है माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 वन आर एंड 2 फाइव आर, तो हमारे पास क्या आ गया आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस 5। इस नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना, भूलना नहीं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को मैं ऊपर साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि अभी मैंने ये इरेज करना है। सो जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है यहां पे लिख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। चलो ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास क्या आ गई आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अभी मैंने इरेज करा इसलिए मैंने इसको साइड पे लिख दिया। आई होप ये क्लियर होगी।
अब चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को ही यूज करूंगा. लूप अब चेंज हो जाएगा. लूप अब मैं सेकंड वाला जो लूप है आई टू वाला वो कंसिडर करूंगा एंड उसके हिसाब से देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है. अच्छा भाई, अब लूप जो सेकंड लूप में कंसिडर करने जा रहा हूं वो क्या आपके पास इस तरह ले लो, बेशक सी डी एफ ई या जिस तरह भी आप लेना चाहते हो. तो इसको यहां पे मैं ले लेता हूं सी डी, ठीक है, सी डी ई एफ मैंने जो सेकंड लूप है वो कंसिडर कर लिया. और इसमें अब हमें जो हमारा जो मतलब सेकंड लूप का जो करंट है उसमें अब जो कमांड करेगा करंट वो क्या कमांड करेगा, आई टू कमांड करेगा. आई टू को अब नहीं देख सॉरी आई वन को अब आपने नहीं देखना क्योंकि अब हमने ये वाला लूप जो है वो कंसिडर किया है. अच्छा भाई, अब इस आई टू के हिसाब से इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसकी जो पोलैरिटीज हैं पहले वो आप डिसाइड कर लो, वो यहाँ पे मेंशन कर दो. और इंडिपेंडेंटली बैटरी की जो टर्मिनल है बैटरी की जो पोलैरिटीज है वो आई टू डिसाइड नहीं करेगा, तो उसकी जो भी है वो आपने पहले ही असाइन कर दो. जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को, छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव को इंडिकेट कर रही होती है. अब जो सेकंड लूप है उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आर वन आ रहा है और आर टू आ रहा है, ठीक है. इसकी पोलैरिटीज क्या होंगी, करंट की डायरेक्शन ये है, तो अप एंड डाउन मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहां पे मतलब इस तरह आ रहा है और इस तरह फ्लो करता हुआ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है. आई टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है. अच्छा भी नेक्स्ट, अब आगे अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो सी डी ई एफ हमने लूप लिया हुआ है उसकी अब इक्वेशन हमें लिखनी है. तो उसमें स्टार्ट में इसकी बैटरी से ही करूंगा जो कि हमारे पास क्या है बी टू. और इसमें अब आपने देखना है कि हमारे पास जो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो इसके हिसाब से अब देखोगे हमारे पास क्या है, करंट आया यू, ठीक है, नेगेटिव में इंटर हुआ और पॉजिटिव से एग्जिट हुआ. तो एग्जिट वाला साइन आपने लिखना है. चलो साइन में बाद में देखूंगा, साइन बाद में देख लेंगे हमारे पास क्या आएगा. तो हमारे पास क्या आ गया वी टू आ गया. इस आर वन में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, वंस अगेन आई वन भी और आई टू भी. तो अभी आई टू कमांड कर रहा है, आई टू में पहले लिख देता हूं आई टू आर वन. और इसमें से उसी टाइम पे आर वन में से कौन सा फ्लो कर रहा है, आई वन भी फ्लो कर रहा है. और ये हमारे पास R2 आ गया और R2 में से सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 है. तो यहां पे मैं लिख दूंगा I2 R2 is equals to zero. अब यहां पे जो ब्लैंक्स मैंने छोड़ दिए थे साइन क्या आएंगे, और साइन के लिए वही वाली गेम जो कि पहले हम लोगों ने लूप वन में की थी उसी तरीके से करंट की डायरेक्शन को देखते हुए आपने यहां पे साइंस यहां पे मेंशन कर देने. तो करंट की डायरेक्शन है I2 की ये, मतलब यहां से आया पॉजिटिव पे इंटर हुआ सॉरी नेगेटिव में इंटर हुआ पॉजिटिव से आउट हुआ. तो एग्जिट वाला जो आउट वाला साइन है वो लगाना है यहां पे, बेशक स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो तो बाय डिफॉल्ट क्या पॉजिटिव ही होगा. आगे चलते जाओ, यहां पे अब आर वन में से जो इसकी पोलैरिटीज इसको मैं बैठा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो पोलैरिटीज इसकी जो पहले मैंने लगाई थी वो आर जब आई वन इसको कमांड कर रहा था तब थी, लेकिन अब आर वन की जो पोलैरिटीज फिक्स हो गई है जो कि अब आई टू के अकॉर्डिंग है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक हो गया. तो ये फिक्स हो गया इसके क्रॉस पोलैरिटीज. सो अब आपके पास क्या है I2 जब R1 में से फ्लो कर रहा है तो यहां पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव में इन हुआ, पॉजिटिव से इन हुआ, नेगेटिव में आउट हुआ. तो यहां पे क्या आ जाएगा, एग्जिट वाला साइन लगाना, नेगेटिव आ गया. अब इसी रेजिस्टर R1 में से उसी टाइम पे I1 भी फ्लो कर रहा है लेकिन पोलैरिटीज इसकी फिक्स हो गई है, यही रहेंगी, ठीक है, जो कि I2 क्योंकि कमांड कर रहा है. तो अब I1 इसमें से जब फ्लो कर रहा है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मींस नेगेटिव में इन हो रहा है और पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो यहां पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा. नेक्स्ट आगे चलो, अब R2 में से करंट एक ही फ्लो कर रहा है जो कि I2 है और वो इस तरह आ रहा है, पॉजिटिव में इन हुआ और नेगेटिव से आउट हुआ. जो एग्जिट वाला जो आउट वाला साइन है वो लगा देना जो कि यहां पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. आई होप ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज क्लियर होगी होगी. बस यही चीज अपने माइंड में फिक्स रखना, इसी की मैं बात कर रहा था, यही रूल्स जो है अपने माइंड में फिक्स करना और इसी को आगे अप्लाई करना बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे. So, अब देखते हैं कि जो भी चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो और जिनकी वैल्यूज और आपके पास है तो वो यहां पे पुट कर दो. क्या V2 हमारे पास कितना है, 6 माइनस I2, ये तो हमें फाइंड आउट करना है. अब यहां पे देख रहा हूं हमारे पास क्या R1 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो R1 मैं कॉमन ले रहा हूं, नेगेटिव साइन भी कॉमन ले रहा हूं. तो हमारे पास क्या रहेगा, R1 मैंने कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या रहेगा I2. और ये क्योंकि नेगेटिव साइन जब कॉमन लेते हो तो आगे वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, मतलब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. इसका नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया और ये अब आपके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. माइनस आपके पास क्या रहेगा, आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो.
अब आर टू अगर आप देखो, आर टू की वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पे पुट कर दो, आर टू की वैल्यू क्या है, 1 ओम, तो यहां पे मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, साथ यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आर वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, और यहां पे मैं एक और काम भी करूंगा, देखो हमारे पास एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आई भी है, वो आपके पास क्या है, आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू क्या, -5, आई वन माइनस आई टू, यहां पे हमारे पास क्या, आई टू माइनस आई वन है, इसको अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, नेगेटिव साइन दोबारा से इसमें से कॉमन ले रहा हूं, ताकि इसको मैं इस तरीके से लिख सकूं, गौर से देखना जरा, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया और बाहर भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मैं ये स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूं, आई होप ये क्लियर हो जाए, सिंपल मैथमेटिक्स का ये एक स्टेप है, अगर स्टिल कंफ्यूजन हो तो नीचे मेरे से पूछ लेना, ठीक है, या चलो मैं स्टेप्स कर ही देता हूं यार, क्योंकि फिर बच्चों के लिए मैं कोई कंफ्यूजन वाली चीज छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, आर टू, आर वन आपके पास क्या है, 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहां पे अंदर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूं ताकि आई वन माइनस आई टू बना सकूं, क्योंकि उस रिजल्ट को मैंने यूज करना है, तो नेगेटिव साइन अंदर ही कॉमन लिया, आई वन माइनस आई टू, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर ही मैंने ब्रैकेट के अंदर ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया, इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया जिसको मैंने पहले लिख दिया, अरेंज भी कर दिया, और इसके साथ फिर नेगेटिव साइन हो जाएगा, उसको मैंने बाद में अरेंज करके लिख दिया। अब ये नेगेटिव साइन जब बाहर आएगा तो इसी स्टेप में ही मैं कर देता हूं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके पास प्लस हो गया और ये आपके पास 2 आ गया, बस यही मैं करना चाह रहा था डायरेक्टली, लेकिन यहां पे चलो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, माइनस आई 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। सो अब उस रिजल्ट को, जो इक्वेशन फर्स्ट वाला रिजल्ट, उसको मैं यूज करूंगा और यहां पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, -5, I1 माइनस I2 -5, फिर आपके पास क्या है, -I2 इज इक्वल टू 0, यहां से I2 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी, तो उस रिजल्ट को यूज करने का ही फायदा, वो I2 डायरेक्ट आ जाएगा। सो इसको जरा सॉल्व कर लो आगे, 6 प्लस माइनस 5 2s are 2 5s are 10, -I2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, -4 -I2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाली जो नेगेटिव वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके बाद ये नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा, तो हमारे पास I2 का जो रिजल्ट आ गया है वो -4 ओम, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओम जो इसका यूनिट है करंट का, तो ये लास्ट में जो फाइनलाइज रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट जो भी बनता है वो लाजमी लगाना ड्यूरिंग कैलकुलेशन, बेशक आप ना लगाना, ठीक है। इस I2 के रिजल्ट को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहां से मैं इरेज कर लेता हूं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉब्लम जो है बस हो ही गया है। सो पुट कर दो, मैं पुट करने जा रहा हूं I2 का जो रिजल्ट जो कि -4 ओम है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लो, तो I2 की जगह आपके पास क्या रहेगा, -4, ऑलरेडी माइनस साइन जो पहले चल रहा है वो बाहर वैसे ही आपने लगा देना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये पॉजिटिव वैल्यू जो +4 उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो हमारे पास -5 -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9, तो I1 की वैल्यू भी इस तरह हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास रही I2 की वैल्यू और ये रही हमारे पास I1 की वैल्यू, यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, ठीक है, I1 हमारे पास क्या है, -9 ओम, और I2 जो हमारे पास -4 ओम। अब जो लास्ट में जो एक्चुअली जो हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें ये बताना था कि R1 में से, R1 जो रेजिस्टर 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें से कितनी वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से कितनी वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है। डेफिनेटली ये तो बहुत आसान है, R2 में तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि R2 में से सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 है, तो उसकी वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारा, जो मेन जो चीज बीच में रह जाती है वो ये है कि R1 में से क्योंकि 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिख लेते हैं I1 जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख, वैसे मैं लिख चुका हूं ऊपर, यहाँ पे सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं, फिगर में मैंने उसकी वैल्यूज यहां लिख ली। अच्छा भाई, इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है, मोबाइल भी मैंने चेक कर लो, ऑफ तो नहीं हो गया, क्योंकि अक्सर हीटअप होने की वजह से ऑफ हो जाता है। अच्छा भाई, अब ये चीज समझने वाले हैं, ठीक है, कि अब R1 में से करंट थ्रू R1, ये हमारे पास क्या है, ये मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं।
अच्छा जी, इसमें सब आपने देखना है कि एक्चुअली कि आपके पास लूप वन और ये जो लूप टू है, अब सबसे पावरफुल साइड कौन सी है, क्योंकि बैटरीज जो होती है, हमारी जो सोर्स होता है वो उसको हमें देखना होगा कि वो सबसे पावरफुल सोर्स कौन सा है, क्योंकि जो पावरफुल सोर्स होगा वही कमांड करेगा कि हमारे पास कि एक्चुअली करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो पावरफुल साइड होगी वही उसको कमांड करेगी करंट को कि उस रेजिस्टर के क्रॉस, मतलब R1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि R1 में से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं I1 भी फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है। अगर ये साइड देखोगे तो ये पावरफुल साइड है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे ये वाली साइड में जो वोल्टेज है, आपके जो सोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि 10 वोल्ट का है, और ये इस साइड पे अगर आप देखोगे जो सोर्स है हमारे पास वो क्या 6 वोल्ट है, वीक है इससे, एज कम्पेयर टू अगर इससे करेंगे हम लोग तो मीन्स टू से कि ये जो साइड है, ये जो लूप वन वाला जो आई वन करंट है, ठीक है, जो बेसिकली जो मतलब आई वन जो इसमें से फ्लो कर रहा है, और यू कह सकते हैं कि आपके पास ये वाली साइड स्ट्रांग होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली इस तरह होगी, आपके पास मीन्स टू से कि जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है इस साइड। आई होप ये चीज क्लियर हो जाए, मैं डिफरेंट वर्डिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो बेसिक जो मकसद है वो आपको समझ आ जाए बस किसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी पावरफुल साइड है, और इसमें जो पोलैरिटीज है, जैसे लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स टू से जो इसकी जो करंट की डायरेक्शन आपके पास इस तरह आ रही है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइड है, तो ये डिसाइड करेगी करंट की एक्चुअल जो रिजल्टेंट करंट इसमें से फ्लो कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन वो कहां से कहां होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि ये वीकर एंड है, वीकर सोर्स है आपका, तो ये डिसाइड नहीं कर सकता। ये जब यहां पे आएगा करंट तो ये देखेगा कि यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ऑपोजिट करंट है कि ये इस तरह आ रहा है और ये इस तरह आ रहा है, लेकिन पावरफुल ये है तो इसने ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है, क्योंकि ये एंड पावरफुल है इस वजह से। सो R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, और क्योंकि जरी बात है पोलैरिटीज की ये रहेंगी पॉजिटिव, मार्कर भी है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो यही इसकी पोलैरिटीज अब फिक्स हो गई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, यहां से हम ऊपर की तरफ जा रहे हो, और सॉरी एग्जिट वाला लगाना है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव I1 क्योंकि इसमें से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, पोलैरिटीज ये फिक्स्ड हो गई है, ठीक है, इसको हटा देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है क्योंकि सोर्स ये ज्यादा स्ट्रांग है हमारा, तो इसी की करंट डायरेक्शन को फॉलो करना है आपने, जो कि I1 की है, ठीक है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपके पास क्या है, इसमें से जो I1 फ्लो कर रहा है पॉजिटिव में इंटर नेगेटिव में आउट हुआ, तो नेगेटिव I1, और ये जब आपके पास क्योंकि पोलैरिटीज तो ये फिक्स हो चुकी है, बेशक ये I2 अब ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वीकर करंट है, मतलब करंट जो भी है, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक्चुअली ये सोर्स जो है ये वीकर है, तो इस वजह से अब आप क्या होगा, और वैसे डेफिनेटली आप देख सकते हो करंट की वैल्यू, अगर देखो करंट ज्यादा स्ट्रांग और स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ 9 एम्पेयर है, नेगेटिव 9 एम्पेयर है, और ये आपके पास क्या है नेगेटिव 4 एम्पेयर है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रांगर है मैग्नीट्यूड में, तो और स्ट्रांग क्यों है, डेफिनेटली हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास एक स्ट्रांग है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास क्या है नेगेटिव I1, और उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव में इंटर हुआ नेगेटिव में आउट हुआ, अब I2 पॉजिटिव में इन हुआ, सॉरी नेगेटिव में इन हुआ और पॉजिटिव से आउट हुआ, तो जो एग्जिट वाली पोलैरिटी हम वो लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ओ मानूर, मानूर ने सही शोर मचाया है, सॉरी फॉर दैट यार, ठीक है। तो बेसिकली अल्लाह करे ये चीज समझ आ जाए यार, बस ये इसी चीज में बार बार जो डिफरेंट वर्डिंग्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा उसकी पोलैरिटी लगा के, एंड उसके बाद नेक्स्ट, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है नीचे पूछ लेना, ये एक टेक्निकल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलैरिटीज ये फिक्स हो गई बिकॉज पावरफुल सोर्स ये रहा, तो हमारे पास क्या रहेगा I1, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये आपके सामने लिखी हुई है -9, और आपने गेम वही सेट की हुई है, गेम वही रखना, रूल वही सेट रखना कि जो करंट है वो पॉजिटिव मेन हो रहा है तो नेगेटिव से आउट हो रहा है, तो मतलब जो भी चीज जिस तरह की पोलैरिटीज हैं कि अगर करंट किसी भी पोलैरिटी में एंटर हो रहा है उस पोलैरिटी को नहीं देखना, जो एग्जिट वाली पोलैरिटी है वो लगानी है, ठीक है। तो I1 नेगेटिव से एग्जिट हो रहा है इसलिए नेगेटिव, और I2 जो है पोलैरिटी क्योंकि फिक्स है नेगेटिव मेन हो रहा है पॉजिटिव से आउट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, प्लस I2, आपके पास I2 की वैल्यू क्या है -4, नेक्स्ट आगे चलो ब्रैकेट से ऊपर करो तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, ये 9 प्लस -, तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 5, इसका यूनिट सब लाजमी आपने लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास मानूर, ठीक है, तो करंट थ्रू R1 हमारे पास क्या आ जाएगा
5 एम्पियर। और इसी तरह अगर हम साथ देखें कि हमारे पास, चलो ये मैं erase कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों से मैं तो पूछ भी नहीं सकता अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे, इसलिए मुझे डिटेल के साथ एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता ना कि मुझे लगे कि यार आपने हाँ चीज ओके होगी होगी, तब तक मैं चीजों को रिपीट करता हूँ। एंड नेक्स्ट अब आगे चलते हैं क्या, ओके, करंट थ्रू आर टू। अब आर टू के थ्रू जो है हमारे पास, आर टू के अक्रॉस जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, वो डेफिनेटली आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, आई टू है, क्योंकि आर टू में सिर्फ आपके पास आई टू ही फ्लो कर रहा है, इसका आई वन के साथ कोई लिंक नहीं है आर टू का। तो R2, I2 हमारे पास कितना था, वो हमारे पास माइनस फोर एम्पेयर है, तो ये माइनस फोर एम्पेयर आ गया। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मेरा तो गला भी बैठ गया। सो बस मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो चीज मैं करा रहा हूँ आपको एक दफा क्लियर हो जाए। सो आई होप क्लियर होगी होगी, स्टिल कहीं भी मसला तो पूछो, बार बार पूछो, एनी टाइम, ओके, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखा, अल्लाह हाफिज़।